हेलो दोस्तों, एवल निगमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को घूमना बहुत पसंद होगा, साथ ही साथ जब ट्रेवल बस से हो या ट्रेन से तो सफर का मजा दुगना हो जाता है। पर दोस्तों, क्या हो अगर आप रात को एक सुनसान सड़क पर बस का वेट कर रहे हो और तभी अचानक से आपके लिए बस आकर रुके। आप उस बस में चढ़े और अंदर जैसे ही बैठे तो आपके आसपास सब लोग सर झुकाए बैठे हैं, मानो जैसे मुर्दे हों। बस में काफ़ी अंधेरा है, तभी आप अपनी फ्लैशलाइट ऑन करके कंडक्टर को अपने पास बुलाते हैं टिकट कटवाने के लिए। और जैसे ही कंडक्टर के हाथों को देखते हैं तो वो आपको सफ़ेद नज़र आते हैं, जैसे उसमें खून ही ना हो। फिर आपकी नज़र एक ऐसी जगह पड़ती है जिससे डर के मारे आपके शरीर में खून जम जाए। ऐसी ही घटना एक औरत के साथ हुई, तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस औरत का क्या हुआ। और वो ही घटना अगर आप लोगों के साथ घटती तो आप क्या करते, हमें कमेंट में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना उत्तर जरूर बताएं। भूतों की बस, बस नंबर 312। दोस्तों, ये कहानी बहुत साल पहले घटी थी और इस कहानी को हवा इंटरनेट पर कुछ महीनों पहले ही मिली। ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब एक बूढ़ी औरत जयपुर से कुछ दूर पहले ही एक गांव के बस स्टैंड पर खड़ी थी। रात बहुत थी और उस औरत को जयपुर जाना था। उस बस स्टॉप पर बूढ़ी औरत को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां उसके साथ कुछ दूर एक नौजवान लड़का भी खड़ा था। उस औरत ने लड़के से बात की और पूछा कि बेटा कहाँ जाओगे, तो उसने बताया कि उसे जयपुर जाना है और वो जयपुर की बस का वेट कर रहा है। सड़क सुनसान थी और आसपास बहुत अंधेरा था, तभी अचानक एक बस आकर रुकती है। उस बस का कंडक्टर पूछता है कहाँ जाना है, तो बूढ़ी औरत बोलती है कि जयपुर। तो कंडक्टर बोलता है कि ये बस जाएगी, आइए। तो बूढ़ी बस नंबर देखती है जो कि 312 होता है। बूढ़ी औरत को लगता है कि शायद ये कोई नई रूट की बस होगी, इसलिए इसका नंबर अलग है। और नौजवान को चढ़ता देख वो भी बस में चढ़ जाती है और बस का सफ़र शुरू होता है। बस का माहौल काफ़ी अलग था, जैसे अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी बाहर के मुकाबले। कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था, बस में ऐसी शांति थी जैसे कि कोई बस में है ही नहीं उस बूढ़ी और नौजवान के अलावा। आसपास के पैसेंजर अपना सर झुका के बैठे थे। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद नींद के कारण सबके सर झुके हुए हैं। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लग गई और बोली कि जो नौजवान बूढ़ी के साथ चढ़ा था उसने बूढ़ी औरत का पर्स चुराया है और बस रोकने को कहा। बस रुक गई और किसी ने कोई आवाज़ नहीं की, मानो जैसे बस के सभी लोग मुर्दे हो। वो बूढ़ी औरत उस नौजवान के साथ वहीं उतर गई। बस में कोई हरकत नहीं हुई और बस कुछ देर ठहरने के बाद अपने आप चली गई। बस के जाने के बाद बूढ़ी औरत ने नौजवान लड़के से कहा कि हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुम्हें मेरा कि हम दोनों बच गए। बूढ़ी औरत ने कहा कि बस के सभी लोग आत्मा थे, वो सिर्फ मुर्दों की तरह सीट पर बैठे थे। तो डर के बजाय हंसते हुए नौजवान बोला कि आपको कैसे पता कि वो सारे लोग मुर्दे थे। अब बूढ़ी औरत जो बात बताएगी उससे आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बूढ़ी ने बताया कि जब बस चल रही थी आसपास के पैसेंजर के पैर उल्टे थे, तभी अचानक से वो नौजवान बोला क्या उनके पैर ऐसे थे, और उस नौजवान ने अपने पैर उल्टे कर लिए और बूढ़ी औरत वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन शमशान घाट में वो बूढ़ी औरत मिलती है। जो लोग बूढ़ी औरत को शमशान घाट में उठाने आते हैं वो उन्हीं लोगों को रात को हुई सारी घटना बताती है। तभी वो लोग कहते हैं कि कुछ साल पहले एक बस खाई में गिर गई थी जिसका नंबर 312 था। ये बस कहाँ से आई किसी को नहीं पता। इसका एक पैसेंजर था जो सड़क पर मिला था, वो काफ़ी यंग एज का था और कुछ मिनटों बाद वो भी मर गया था। कहते हैं कि उसने बहुत मदद मांगी थी कि वो बच जाए, पर उसकी किसी ने मदद नहीं की। आसपास के गांव वाले मानते हैं कि आज भी वो जयपुर के रोड पर बस चलती है। वहीं कुछ लोग कहते हैं ये बस टाइम ट्रेवल में है, क्योंकि इस बस को बहुत जगह देखा गया है, जैसे चाइना में, इंडिया में राजस्थान में, इंडिया में ही वेस्ट बंगाल में भी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो उस बस में सफ़र करने वाला ही जाने। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है,
क्या सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानी है या जैसे राजस्थान में भूत प्रेत बहुत होते हैं तो ये एक सच्ची घटना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन।